के नहीं बदलाते खर्चा करके कभी नहीं बताते नहीं होना वही चाहिए कि होना वही चाहिए नेट प्रॉफिट क्या है लेकिन क्यों कितना बोला है हाँ। वो बोलता है बस 10 लाख का केला हो गया हाँ। नहीं वो गड़बड़ है वो उसमें ऐसे बोलते हैं 10 लाख इतने जाम्पल बेचे 15 लाख के जाम्पल बेचे बचा 3 लाख जाने के जो आड़तिया पे गया माल उतना उन्होंने बता दिया इतना आया बस क्या खर्च किया ये नहीं बताएंगे कभी नहीं बताएगा वो दुकानदार को कितना दिया वो नहीं बताया नहीं, नहीं। 10 लाख में 7 लाख में बांट के आया हूँ दुकानदार और लेबर प्लस लेबर भी हमारे यहाँ पे लेबर महंगा है तो लेबर के लिए क्या महंगा ये मेंटालिटी पूरे इंडिया में मैंने मैं बहुत घुमा हूँ इंडिया में नौकरी की वजह से लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मिलता हूँ फार्मर से तो आपका तो वीडियो रहे हैं और वीडियो तो 90% तो आपको नहीं नहीं था SDM रहा ADM अभी हूँ मैं बहुत घुमा विशाखापट्टनम था मैं ऑब्जर्वर इलेक्शन ऑब्जर्वर महाराष्ट्र में भी गया पेण रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ऑब्जर्वर था मैं तो मैं इंदौर में भी 2 दिन फंक्शन किया ओ, अच्छा ओ, 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 बोलकर का पैलेस है ना वो क्या बोलते हैं राजवाड़ा में राजवाड़ा में हाँ हम जो बता रहे हैं मैं फार्मर को जो बोल रहा हूँ वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी पर केजी की प्रोडक्शन कास्ट क्या है वही वहाँ पर जाना है पर केजी प्रोडक्शन कास्ट पे जाना है और उसको बिक्री की कीमत से रिलेट करके माइनस प्लस करना है केवल बेचा उसपे तो फिर अभी तक हमारे से क्रॉप लोन क्यों नहीं भरा गया है अगर वही सब चीज सही है कि मैंने बेचा है 15 लाख रुपए इस साल का मेरा इनकम है वो इनकम ही बोलता है टर्नओवर नहीं बोलता है टर्नओवर में मेंटेनेंस हर इलेक्शन में किसान कर्ज माफ करो यही मुद्दा रहता है यस यस ये गड़बड़ मुद्दा है ये इसमें किसान कभी ऊपर आएगा ही नहीं चना काबुली चना है ना कि किसान कॉपी पेंसिल में नहीं आता डॉलर अच्छा बढ़िया ये ड्रिप में किया तो बहुत अच्छा यहाँ पर सर पूरा लगभग 90% ड्रिप है ये क्षेत्र में निमाड़ बेल्ट में इधर तो मैंने देखा बहुत सब जगह हर क्रॉप में ही वो कर रहे हैं देखो ये फर्क तो है ड्रिप इरीगेशन फ्लड इरीगेशन इसमें गैप है ना गन्ना लगा गन्ना भी लगा दिया मेन गन्ना है मेन गन्ना और चना अंतर्वर्ती में और उसको पानी ज्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है वो फ्लड में और ये खेच खेच के दे रहे हैं ये व्यवस्थित रूप से चल रहा है ये वाला फील्ड सर 8000 प्लांट है और रेवा प्लस जो वैरायटी हम बतलाते हैं 4000 प्लांट यानी ये भी 1000 प्लांट लग जाते हैं पत्री एक एकड़ पे 1250 लगाए हैं यहाँ पर 5x7 पे 5x7 हाँ और ये प्लांटेशन श्रेष्ठ तो वही है 5x9 श्रेष्ठ है इसमें अभी आपको फर्क दिखेगा कि क्यों चेंजेस है आगे से होते अंदर क्या भाव से अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या का नहीं ये जनरल जो व्यापारी आकर के रेट करके काट के ले जा रहे हैं वो काटते वो है हाँ तो कटर तो वगैरह उनके आते हैं हाँ ये अभी सफाई लास्ट होना है तो ये ड्रिप को अभी इकट्ठा कर लिया है पानी दे करके हाँ, हाँ, हाँ। अभी ये पत्ते वत्ते साफ करके रखेंगे फिर ऊपर से ड्रिप डल जाएगा पीछे प्लांट जो कटना बाकी है एक दो पूरे खेत में आपको दिखेगा पानी होने के बाद हाँ इसको नहीं काटेंगे ये जो पुराने हैं ये छोटे छोटे इनकी सफाई करेंगे नहीं नहीं ये केला ले लेंगे हाँ फिर इसको तो काट देंगे नहीं इसको नहीं काटेंगे इसको इसलिए नहीं काटेंगे मैं इससे समझाता हूँ जैसा ये केला कट गया इसका ठीक है इसके एटलीस्ट कम से कम 2 पत्ते और रखेंगे हम अच्छा अच्छा 2 पत्ते रखें हाँ यस अभी इस फार्मिंग का मजा ही है कि ये खड़ा रहे कैसे ये लाइन से लाइन पूरे खेत की 5-5 फीट पर है यस मतलब ये लाइन भी 5 पे है आप खड़े हो वो लाइन भी 5 पे हर लाइन 5 पे और पौधे से पौधा 9 है यस और उसके सामने नहीं है तिरछा है यस है ना जिगजैग है यस अभी तो यहाँ का ड्रिप निकाल लिया है ये पत्ते यहाँ रखेंगे इसलिए अब ये पहला जब कटा ऊपर से कट गया yes. अब इसके अगर हम यहाँ से डंडा काट दें या नीचे से काट दें तो इसको हमें वापस पहले को जितना भोजन दिया उतना देना पड़ेगा और इसको नहीं काटा है तो ये खुद ब खुद रिवर्स होगा
और इसको न्यूट्रिशन देगा, अब इसको कोई भोजन देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा, इसको पूरा हमने रखा है क्योंकि वो जड़े तो जुड़ी हुई है, उसी से निकल के आया, ये इसी माँ का बच्चा है। हाँ, उसकी रूट बहुत नीचे गई है। हाँ, मतलब हाँ, इससे कनेक्ट होकर के ही आया है, तो ये बिना हमें एफर्ट लगाए, बिना खर्च किए आएगा। यस यस, अभी जो यहाँ पर हमने उत्पादन लिया है वो पर पौधे का 45 रुपए का फर्टिगेशन का खर्चा है, 40 से 45 रुपए। बिल्कुल, और 15 रुपए 16 रुपए की पौधे की कीमत आ गई, तो लगभग ये हो गया 60 रुपए। यस, और 10 रुपए का आपका खर्च आएगा बिजली बिल, आपका जो पानी प्रबंधन के आदमी है और थोड़ा वो जो निंदाई गुड़ाई करी होगी, 10 रुपए पर प्लांट का वो खर्चा आना है। एटलीस्ट 70 रुपए पर पौधे पर हमारा इस फील्ड का खर्च बैठा है, और उत्पादन में हम गए हैं इस पर 25 से 32, 28, 35, एक एवरेज हम पकड़ते हैं तो हम बॉटम मानते हैं 25 केजी पर पौधा हमने लिया है। 25 केजी पर पौधा, पर पौधा उत्पादन। तो मोटा मोटा यहाँ का अगर हम जोड़े कि बहुत खर्चा जोड़ लिया, किसान यहाँ पर जितनी बार आया उसका पेट्रोल खर्चा भी जोड़ लिया, सारे सिंगल में लिया 25 सिंगल किलो एक पौधे जैसे ये खड़ा ये है, ये अभी होगा 28-30 किलो का होगा, 28-30 किलो होगा। लेकिन मैं बॉटम की बात करता हूँ कि हमने इसका 25 किलो उत्पादन लिया, तो ये लगभग 2.5 से 3 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। यस, पर केजी, और मिनिमम यहाँ 7.5 रुपए केजी में बिका ये। यस, लॉकडाउन जैसा कंटिन्यूस था, फिर बीच में अभी किसान आंदोलन आ गया, तो उत्तर भारत में गाड़ियां नहीं जा रही थी। यस, अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लो आएगा, तो लगभग केला 7 से 15 के बीच में चलता रहता है। यस, एटलीस्ट सेंटर पॉइंट मेरा मानना है कि किसान को 8 से 10 रुपए मिलेंगे, ऊपर तो जो मिल गया वो बोनस है, उसको जोड़ना गलत है। तो हम बात करते हैं 2 से 2.5 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट मैक्सिमम 3 रुपए के अंदर। यस, और बिक्री आपकी 7 से 10 रुपए के बीच में। तो एटलीस्ट पर केजी आपको 5 रुपए केजी का नेट प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो आप इस दिशा में काम कीजिए, वरना गड़बड़ है, फिर वो रिस्क ज्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये फील्ड ऐसी है कि इस फार्मर ने फर्टिगेशन शेड्यूल किया है ड्रिप इरिगेशन का, लेकिन जो सूत्र है उसे 100% फॉलो किया है। जैसे ये नाली बनाई है और ये पूरा बेड है, यहाँ पर ये बायोमास अच्छादन का मल्च है। अगर इसके नीचे देखेंगे हम तो सारा जीव जीवात की कॉलोनी आपको दिखेगी। ये जो छोटी छोटी विष्ठा है, ये जो डॉट डॉट है, ये सब केचुए की विष्ठा है। ये जो भुरभुरापन है, यही इस पौधे का भोजन है। नेक्स्ट में अभी आप देखेंगे तो इसकी कलर क्वालिटी साइनिंग कैसे दिख रही है, एकदम प्रीमियम दिखेगा। ये रेडी से एकदम और ये जमीन को फाड़ करके बड़ा हो रहा है, स्पीड से मोटा हो रहा है, एकदम सॉलिड है। और इसकी उम्र हो गई है 3 महीने प्लस। ये वाला प्लांटेशन किया था हमने 20 फरवरी 2020 को, मतलब 1 साल होने को है अभी। हाँ, 1 साल में कटिंग होकर के पूरा प्लांट क्लीन हो गया है। अभी सेकंड ऑलरेडी 3 से 3.5 महीने का हो गया है, पत्ता चौड़ा आना लग गया है, 6 महीने के बाद फूल आएगा। हाँ, उसका अभी हम अगर बात करें तो ये खेत की बात करें तो जनवरी में पूरा प्लांट कटा है। अब हमें अगले 6 महीने में कटिंग चाहिए, जो मैं बोलता हूँ कि किसान को हर 6 महीने में केले की कटिंग मिलेगा। तो ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, इस डिस्टेंस के कारण हम इसको रख पाए हैं। डीएपी डाला हुआ है वो। ये डिस्टेंस के कारण हम इसको रख पाए हैं जल्दी। अगर ये गैप नहीं होता और पास में होता तो हम इसको ले नहीं सकते थे। फिर ये पतला पतला जाता, इसके चौड़े पत्ते और ऊपर जा करके आते, तो फिर इसके टूटने की, गिर पड़ की संभावना रहती। अभी ये पहला कट के जनवरी में खत्म हुआ है। इसका काम डाउन तो आज से चालू हुआ ना, इसका पैसा तो आज तक आया ही था। फरवरी से ये चालू हुआ है, तो अभी ये 3 महीने से 4 महीने के बीच में बंच देगा। अभी इसको 3 से 4 महीने बाकी है, ये 3 महीने का हो चुका है, तो अगले 4 महीने में बंच देगा और फिर 90 दिन में कटिंग आएगी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक इसका फ्लावरिंग आएगा। जून, जुलाई, अगस्त, एकदम श्रावण महीने में इसकी कटिंग आएगी, भर प्रीमियम टाइमिंग पे। इसलिए हम बोलते हैं कि पहली कटिंग 10 से 11 महीने, फिर हर कटिंग 6 महीने।
नहीं, उसको कब काटेंगे? इसको काटेंगे ही नहीं, लाइफ टाइम इसको नहीं काटेंगे। ये क्या होगा, ये खुद ब खुद सूखता जाएगा। ये जैसा ये डंडा सूखना चालू हुआ, ये रिवर्स होगा, सूखने से इन द सेंस कि ये सारा न्यूट्रिशन देगा अपने बच्चे को, तो ये खुद इससे हेल्दी होगा। इसने 25 किलो दिया है तो ये 30 किलो का वेटेज देगा, वजन देगा। और इसको काट दिया तो इसको हमें अलग से एफर्ट लगा के देंगे तो भी इससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का 25 किलो देने लायक है, एमपी का, बड़वानी का। आप कितना फर्टिगेशन करो, ये ब्लैक सोइल है तो ये एकदम ब्लैक है, इसमें लाल मिट्टी में भी हो सकता है, लाल में और अच्छा होगा, उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा रहती है और केले को पोटास ही चाहिए। पीली में भी अच्छा होगा, काली मिट्टी में किसानों का मानना है कि केला होता नहीं। नहीं, सूरत और साउथ में, गुजरात में काली मिट्टी है, कामरेज में काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। उसमें क्या करते हैं किसान, सिंगल बेड ऐसा बनाते हैं टीला, बिल्कुल, उसके ऊपर पौधा रखते हैं, ड्रिप रखते हैं। तो वहाँ क्या होता है, दो लाइन का अंतर ज्यादा रखते हैं और पेड़ से पौध कम रखते हैं, इसीलिए उनका दूसरा तीसरा नहीं आता है। ये 3 महीने का है, ये सबका बल्ब सेम है। हाँ, ये G9 है, हाँ ये रेवा प्लस है, रेवा प्लस मदर कैरेक्टर ग्रेड 9 है, G9। लेकिन ये 4 साइकिल का पौधा है, केड़िला बनाता है गुजरात में, हाँ वो भीम प्लस बनाते हैं, भीम प्लस केड़िला का है प्रोडक्शन, केड़िला का है। ये फार्मुलेशन से अगर फार्मर चल रहे हैं ना तो मैक्सिमम भीम और इसमें क्या फर्क है, मतलब दोनों में अंतर क्या है भीम और इसमें? नहीं, भीम वो वैरायटी अलग है, मतलब इसका लंबा केला रहता है। हाँ, ये वैरायटी है ग्रैंड 9 G9, और भीम जो है वो वैरायटी ग्रैंड 9 नहीं है, वो अलग उन्होंने टचअप किया है। तो ग्रैंड 9 वैरायटी ऑल इंडिया के क्लाइमेट को सूट करती है और सभी दूर सर्वाइव कर सकती है। दूसरा, अगर आप फल को देखेंगे तो इसका डंडा नीचे तक का मोटा आता है, तो नीचे तक का केला अच्छा लंबा आएगा, लंबाई पूरे में आएगी, लंबाई फुलफिल होगी, और एक पंजे से दूसरे पंजे में गैप आएगी। अगर हम देखेंगे ये गैपिंग है, तो गैप होने के कारण केले का साइज बड़ा होगा, और अगर केला पास पास में है तो उसका साइज उतना बड़ा नहीं होगा, फिर छोटा रहेगा। तो ये ग्रेड 9 की खासियत है। और रेवा प्लस हमने एक्स्ट्रा किया है, जिसमें 4 ही साइकिल ले रहे हैं। आप जब लैब विजिट करेंगे लास्ट में, तो बोतल के अंदर पौधा तैयार होता है, एज ए जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी। बोतल में ये जैसे केला है, तो इनका ये जो सकर है, इसके अंदर का सेंटर का हिस्सा 1 इंच बाय 1 इंच का हिस्सा रहता है जो बोतल में रखते हैं, और वो 28 दिन में ट्रिलिंग करता है, और बोतल में आता है सुक्रोज, 90% सुक्रोज आएगा, 5% अगार जेल आएगा ताकि वो हिले ना, एक बार क्लंप हम जहां लगा दें, और 5% न्यूट्रिशन आएंगे। तो ऐसे 100% का कॉम्बिनेशन, वो 28 दिन में एक जो क्लंप रखा वो गेहूं के दाने जैसा ट्रिलिंग करेगा, तो लेप के अंदर उसे फिर कट करेंगे, एक के तीन, इसको बोलते हैं मल्टी। ये अगले 28 दिन में 3 के 9, फिर अगले 28 दिन में 9 के 81, इस तरीके से टिश्यू कल्चर का पौधा बनाया जाता है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है हर टिश्यू कल्चर को 8 साइकिल लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, 8 बार मल्टी कर सकते हैं। जितनी बार मल्टी करेंगे उतना पौधा कुछ न कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता कम करता है, और उसका वेरिएशन बढ़ता है, वेरिएशन के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने 8 पर रोक दिया है। एक बार जब क्लोन रखा तो 8 साइकिल में 1000 से 1200 पौधे तैयार होंगे। बीज तो है नहीं, वे क्लोनिंग ही होते जाएंगे, फोटोकॉपी बनते जाएंगे। तो हम रेवा प्लस में मात्र 4 साइकिल ले रहे हैं, जो वर्ल्ड की पहली टिश्यू कल्चर कंपनी है, जो ऑन पेपर पे गवर्नमेंट को भी क्लेम करते हैं और सबको बतलाते हैं कि हमारा पौधा 4 ही साइकिल का है। उसमें हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हम जितनी कम क्लोनिंग करेंगे लैब के अंदर, उतना किसान के खेत में ज्यादा मल्टी हो सकता है। अभी इस खेत की बात करूं तो ये अंकल ने हमसे एक बार 8000 पौधे ले लिए। अभी मैं चाहता हूं कि इनको कभी भी कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर 10 साल 15 साल केला लगाना बदलना ही नहीं है। ये इसी को ले सकते हैं ना, जब उसमें काबिलियत है। तो मैं जितना कम साइकिल का पौधा दूंगा
उतना उसके खेत में फार्मर के फील्ड पे ज्यादा सर्वाइव करेगा। अभी आप इसको अगर 6 महीने बाद विजिट करेंगे तो इसकी अभी तने की मोटाई जो देख रहे हैं ये है 36-38, 36-38, लेकिन आप इसकी रटून की देखेंगे तो ये 40 प्लस मिलेगा। और जो आपके क्वेश्चन थे कि हमारा रटून बिकता नहीं, वो इसीलिए नहीं बिकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोई किसान करता नहीं। जैसे हम अभी खड़े हैं वहां खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए। ये जो जमीन है इसने दबना नहीं चाहिए। ये बायोमास अच्छा धन है तो वहां केचवे जीव जीवात की कॉलोनी और जमीन ढीली रहेगी। तो इसकी रूट सब दूर वापस जो इसकी फैली थी वैसी सेकंड की रूट फैलेगी सब दूर, तो नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक अच्छे से करेगा तो इसका भी उत्पादन इससे अच्छा आएगा। इससे अच्छा इसलिए आएगा कि ये हमने ऑलरेडी 15 से 20 पत्ते लेप के अंदर ले चुके हम बोतल में, 4 से 5 साइकिल जो कर रहे हैं, 4 साइकिल रेवा प्लस की, 6 साइकिल रेवा जी ने इनकी, तो 4 साइकिल में हर बार 3 पत्ते 4 पत्ते आते हैं, उसको कट करके मल्टी करते हैं, तो 15 से 20 पत्ते लेब में हो गए। अब खेत में 30 पत्ते में बंच दिया और ये टोटल पूरी उम्र यहाँ खेत में कर रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये नेचुरल प्रोसीजर और ये अच्छा आएगा ही क्योंकि ये मिट्टी के साथ जुड़ करके पहले पत्ते से डे वन से लास्ट पत्ता यहां पर बिता रहा है। और ये आर्टिफिशियल है, इसका 30% समय तो हमने लेब में छोटी बोतल में खत्म कर दिया। साइकिल कम करने को जैसे जेनेटिकल प्योरिटी भी ज्यादा है, प्योरिटी ज्यादा रहेगी, साइकिल कम रहेगा, उतनी प्योरिटी सबसे ज्यादा बेहतरीन बेनिफिट यही है कि उसकी जेनेटिकल प्योरिटी जो है। दूसरा पौधा कम निकालोगे आप जैसे ये रखा, इसके फ्लावरिंग आने के 1 महीने पहले, फ्लावरिंग के 1 महीने पहले एक अच्छा पौधा रखेंगे, वो रखेंगे जो अच्छा होगा इसके साइड का, जो थर्ड जनरेशन आएगी यहाँ, जैसे ये इसका बच्चा है, अब इसका बच्चा रखेंगे, इसका बच्चा रखेंगे, इसका बच्चा नहीं रखेंगे, उसका नहीं रखेंगे, ये है उसको नहीं रखेंगे, वो तो खत्म करना है, उनको पिलअप करना है, इसका बच्चा रखेंगे। अभी हम नई साइड पे जा रहे हैं, एक और साइड पे जाएंगे सोहन भाई के वहां, तो पहला खत्म हो चुका है, दूसरा कटा है, तीसरा रखा है और चौथा बेबी रख लिया है, अभी हम वो साइड देखेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जो हम पहला छोड़ रखे, काट लिया, दूसरा रख दिया, तो ये जो डिस्टेंस है अपना 5 अपना लाइन टू लाइन है, 7 रूट पौधे से पौधा है, तो ये जो हम बच्चे रख रहे तो अगर समझो कि इसका सेकंड डे भी यहाँ से अच्छा है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये तो डिस्टेंस के लिए बोल रहा हूँ, नहीं जैसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ ये साइड से है कोई ये साइड से, मैक्सिमम कोशिश अगर आप पूरे खेत में देखोगे तो पूर्व दिशा की करिए क्योंकि पूरा खेत एक फीट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये देखा पूर्व में, वो देखा पूर्व में, सब पूर्व में है, लेकिन कोई अपोजिट बंच आया है, इसका बंच अपोजिट आया है तो इधर बच गया है, ये रियर है कि ये 20% मिलेगा इधर उधर, 80% मिलेगा आपको पूर्व में, जैसे ये पूर्व है ये पूर्व है, तो पूरा खेत आपका शिफ्ट हो गया है और आपको रखना भी एक ही दिशा में हो और एक जैसा है। दो चीजें मायने रखती है, या तो आप पूर्व में रखो, ये पूरा पश्चिम की लाइनें हैं तो आपको पूर्व में रखना है क्योंकि बंच दक्षिण और पश्चिम आएगा, तो मैक्सिमम दक्षिण में, दक्षिण में आएगा जैसे ये दक्षिण में। दूसरा अगर आपका उत्तर दक्षिण का लाइन है तो आपको फिर उत्तर में रखना है, बिल्कुल पहला बेबी उत्तर में, हर एक फिर हर बार उत्तर में ही रखना है। अच्छा, तो पूरा खेत आपका हर कटिंग में शिफ्ट होगा एक फिट, बराबर आगे जाएगा, आगे जाएगा। ये ऑर्गेनिक फॉर्म है कि पूरा? नहीं नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये मिक्सअप है, मिक्सअप है, यस। इसमें डीएपी यूरिया पोटास का यूज किया है, yes, yes. लेकिन कैलकुलेट फॉर्म में यूज किया है, yes, yes. कि बैक्टीरिया कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो, बायोमास अच्छा धन हो। अभी आप देखोगे तो ये अचानक नजर पड़ी है, ये केचवे की विष्ठा है और ये केले की जड़ है। नहीं, ये मतलब ये क्या डाला है, कौन सा? ये जो है लकड़ी, ये हमने प्लांटेशन यहाँ पर जब किया था तो राई का है, राई। नहीं नहीं, ये सन आता ना, सन सनेम, यहाँ पर गर्मी बहुत है, यस। तो ये जब फरवरी में प्लांटेशन हुआ तो इससे 1.5 फीट दूर और पश्चिम और दक्षिण एल आकार में सन डाला गया था ताकि सन ये गर्मी में भी आ जाता है, पत्ते हरे रहते हैं तो पौधे को नुकसान न दे, तो वही फिर काट करके यहाँ बायोमास अच्छा धन कर दिया। अभी इसी के पत्ते जो निकल रहे हैं वही बायोमास अच्छा धन का काम कर रहे हैं, तो ये पत्ते भी बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मिट्टी पौधा लगाने के बाद एक बार भी नहीं लगी है,
पौधा जैसे खड़ा किया ना, उसके बाद एक बार भी मिट्टी नहीं लगी है, कुछ कल्टीवेशन कुछ काम नहीं किया है। जब लगाए तब हाँ अंदर लगाया था, 6 इंच गहरा, नहीं 2x2 नहीं, इसका प्लग आता है 6 इंच का, तो उतना ही मिट्टी निकाला, उतना ही प्लग रखा और मिट्टी छोड़ दिया कीचड़ बनाकर। खाद वाद नहीं दिया पहले? नहीं, गड्ढे में कुछ देते नहीं है, गड्ढे में एक हम कीचड़ बनाने की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी में सुक्रोज डालते हैं, वाइसोनोमेटा, और कीड़ों को भगाने के लिए, कि कीड़ा उसकी जड़ न काटे। ये अभी क्लोनिंग निकाला है यहाँ से, मार्किंग भी लग रहा है। हाँ, ये जो फील्ड है ये समझ लो हिंदुस्तान की ऐसी फील्ड है कि 8000 पौधों में 12 दिन में एक साथ फ्लावरिंग आ गई है, वन शॉट फ्लावरिंग आई है ये फील्ड पर, और ऑफ सीजन का प्लांटेशन है, वो बहुत बड़ी बात। 20 फरवरी का है, 20 फरवरी को एक 20 फरवरी अब आएगा, ये तो कट के खत्म हो गया है। तो यहाँ से मदर क्लोन भी निकाला है। आइडियल टाइम जून है, जून जुलाई, जुलाई अभी तो जून भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जून मई में चले गया है, गर्मी जून में बारिश आती ही नहीं है, पहले आती थी, अभी तो जुलाई आइडियल टाइम है। जो नया व्यक्ति लगाए पहली बार की प्रकृति के साथ चले, जुलाई और अगस्त, बाकी तो अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं तो साल भर कर सकते हैं। ये गिर पड़ ना हो इसके लिए थोड़ी सी बंधाई करी है, टेढ़ा होकर गिर पड़ ना हो। रेवा प्लस की क्वालिटी खतरनाक है, हमारी तरफ जो मिलता है ना, हाँ उससे बहुत खतरनाक क्वालिटी। अच्छा, आपके वहाँ लगा है क्या? हाँ, हमने इसकी हाइट बहुत बढ़िया है, गुजरात में इतनी हाइट नहीं होती, आप आनंद में देखा होगा, आनंद में इतना हाइट नहीं है। आनंद में सारे किसान ऐसे ट्रैक्टर चलाते रहते, बंद ही नहीं करते, ऐसा भी चलाएंगे ऐसा भी चलाएंगे, बंद नहीं करते, मगर आपका क्योंकि आपने बोला वो करते हैं, तो आपके हिसाब से ही क्या है? अच्छा, 5x8 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 5x9 ऐसे तो आदर्श है। अभी 5x9 एक्चुअली क्या है, मैं धीरे धीरे किसानों को सेट कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बोलना चालू किया केवल 5x7, अब हजारों किसान आ गए 5x7 पे। नहीं, प्लांट कम हो जाएंगे ना फिर? नहीं, मैं चाहता ही हूँ कम लगाओ आप। अच्छा अच्छा, 900 ही आपको 6 महीने में कटिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो आपने 1800 काटे ना? यस। और आपका मैं बोल रहा हूँ हर 6 महीने में 25 टन उत्पादन आएगा। यस। जो हम ले रहे हैं तो साल भर में 50 टन लिया ना। अभी हिंदुस्तान में कौन केला वाला है जो एवरेज 50 टन ले रहा है? कोई भी नहीं, जो 5x5 लगा रहा है सर, 5x5 18 से 22 टन के लगभग उत्पादन ले रहे हैं। ये कैसा एक साइड है एकदम, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, 5x5 में आगे पीछे हो जाता है यहाँ, और ज्यादा किला तो यहाँ रिफंड नहीं कर सकते, रिफंडिंग चैम्बर है बने हुए हैं, मेरा कुत्ता भी एक एक खरगोन में, और यहाँ कुछ मित्र हैं, सीधा आप उसको बेच सकते हैं ना, रिफंडिंग चैम्बर है, तो 20 रुपए में किला जा सकता है हमारा। हर तहसील, हर जिला, जो ठेले पर केला पका हुआ दिख रहा है उस जगह पर रिफंडिंग चैम्बर है। क्योंकि हमको तो मिलता है 40 रुपया केजी, 50 रुपया केजी, और हमारा केला जा रहा है 8-10 रुपया। यस, रिपनिंग में इतना खर्चा नहीं है। फार्मर से एंड पॉइंट की जो कड़ी है उसमें 3 टाइम वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर आपका 10 में बिका है तो ग्राउंड पे 40 में ही बिकेगा। 3 टाइम, यस यस, 3 टाइम तो सही है, 10, 20, 30 40 होता है। ये हर फसलों में है, ट्रांसपोर्ट और उसको हैंडलिंग, और जो ठेले वाला है, ठेले वालों को डायरेक्ट डबल करना है, वो तो है उसको, तो क्योंकि उसको एक ही कुंटल बेचना है। बिल्कुल, कम बेचना है, बिकेगा कम ना, थोड़ा ज्यादा भी देना है, वहीं पर डबल रेट होता है, और उसका वेस्टेज भी है, नहीं बिकता है तो वेस्टेज है, उसकी झड़ है, और कल बच गया तो बच्चों को खा करके सोना है, तो वो सारा मार्जिन अगर जोड़ते हैं उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। बीच वाले जो खा जाते हैं इसको कम करना, वो गड़बड़ी है। आइए नई साइड पर चलते हैं। ओके,